सौर शक्ति ही भविष्यतर विकल्प विश्वरे शक्तिर चाहिदा दिनकु दिन बढ़ी चलता बेले जल और तापज विद्युत ताहा मेंटाइबाकु जथेष्ट नुहे तेणु एभली स्थिति रे सौर शक्ति उपरे अधिक गवेषणा सह एहार प्रसारर आवश्यकता रही जहां उपरे आसंता काली हेबाकु जाउछि इंटरनेशनल सोलार अलायंस सम्मेलनी दिल्ली रे 23 देशर राष्ट्रमुख्य जणक परे जणे पहुंचुछन्ति गतकाली फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोन को स्वागत करिथिले निजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदीप बांग्लादेश श्रीलंका गायना एमिति 23 देशर राष्ट्रमुख्य और सेमानक प्रतिनिधि दिल्ली रे एकाठी होइछन्ती काली दिल्ली रे अनुष्ठित हेबो प्रथम अंतर्जातीय सौर शक्ति सम्मेलनी भारत और फ्रांस रो मिलित सहयोग रे ई सोलार समिट हेउछि तबे एहा पूर्वरु भारत एवं फ्रांस मध्यरे द्विपाक्षिक आलोचना होइथिला आतंकवाद ठारु आरंभ करी अर्थनैतिक संपर्क नै दुई देश मध्यरे आलोचना होइथिला आई थिंक वी हैव अ वेरी लॉन्ग टर्म हिस्ट्री एंड इन जून इन पेरिस योर प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्ड अ वेरी स्ट्रांग मैसेज टू दिस आर्क द ट्रायंफ इन फ्रांस इन ऑर्डर टू पे अ ट्रिब्यूट टू योर सोल्जर्स हु वेंट टू फ्रांस टू सेव आवर फ्रीडम जब 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लॉन्च हुआ था तो पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति जी के साथ हुआ था। कल इंटरनेशनल सोलर अलायंस फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस का आयोजन साझा जिम्मेदारियों के प्रति हमारी कार्यशील जागरूकता का ज्वलंत उदाहरण है। मुझे खुशी है कि यह शुभ कार्य फ्रांस के राष्ट्रपति जी के साथ ही हो रहा है। इंटरनेशनल सोलार अलायंस एक बैंक नुहे कि पांठी जोगाड़ कराइबा एहार काम नुहे सौरशक्ति संपर्कित प्रकल्प गुड़िकर जेउभली भाबरे बहुल प्रसार होई पारिबो सेथिपाई काम करिबो इंटरनेशनल सोलार अलायंस सौरशक्ति उपरे विभिन्न देश करितबा प्रोजेक्ट उपरे आलोचना हेबो और इंटरनेशनल सोलार अलायंस सह अनुबंधित 121 टी देश रे सौर शक्ति रो उत्पादन और व्यवहार पई प्रोत्साहन दिया जिवो सम्मेलनी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और तांको फ्रांस प्रतिपक्ष इमानुएल माक्रोन उद्घाटन करिवे ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 7